कनेक्ट एफएम दे इवनिंग न्यूज बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अज दियां मुख खबरां। बीसी च कोविड 19 निर्देशां दी पालना ना करन ते होणगे वड्डे जुर्माने। बीसी च दिसंबर तो बाद दा कोविड 19 मामलियां दा सब तो वड्डा वाधा होया रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल दी लिबरल सरकार दे पेंडेमिक रिस्पोंस ते रिपोर्ट, थोड़ी सख्त थोड़ी नरम। अमरीकी राष्ट्रपति दा चीन ते शब्दी हमला, कहा चीन दे दबदबे ते काबू पाउण दी तैयारी। विक्रम मजीठिया ने सुनील जाखड़ नूं दित्ती अस्तीफा देण दी सलाह। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। बीसी च सेहत निर्देशां संबंधी पाबंदियां दी पालना नहीं कर रहे हो तां सावधान हो जाओ, वड्डे जुर्माने दी भरपाई करनी पै सकदी है। बीसी सरकार वल्लों कोविड 19 संबंधी सेहत निर्देशां दी उलंघना करन दे मामले च लगाए जा रहे जुर्माने विच वाधा कीता जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी मंत्री ते सोलिसिटर जनरल माइक फार्नवर्थ ने अज यह ऐलान किया। लोगों वालों विखाए जा रहे स्वार्थी व्यवहार से काबू पाने के इरादे नाल ये नवे जुर्माने लागू करने की गल आखी गई है। सेहत निर्देशों की उलंघना करने वालों नूं जिथे पहला $230 का जुर्माना लगाया जा रहा है, उत्थे हुण इस नूं वधा के $575 कर दिता गया है। इस दौरान मास्क ना पहनण जिही गलती लई $230 का जुर्माना ही लगाया जाएगा। हालांकि किसी इवेंट का प्रबंध करने वाले लोगों नूं लगाए जाने वाले जुर्माने च वाधा नहीं किया गया। यह जुर्माना $2300 ते ही रहेगा। बीसी दे लॉन्ग टर्म केयर होम्स ते असिस्टेड लिविंग फैसिलिटियां विच एक तो वधेरे मुलाकातां दे नाल नाल हुण जफ्फी पाउण ते छूण दी इजाजत भी दे दित्ती गई है। हुण इन्हां रेजिडेंट्स नाल लगातार मुलाकातां कीतियां जा सकणगियां। विजिट करन वालियां नूं घट्टो घट्ट एक घंटा बिताउण दी इजाजत होवेगी। इन्हां तब्दीलियां दा ऐलान अज प्रोविंशियल सेहत अफसर डॉक्टर बॉनी हेनरी ते सेहत मंत्री एड्रियन डिक्स ने कीता है। We, as of April 1st, all residents will have regular, frequent, and routine opportunities for social visitation in long-term care and assisted living. We know that visits must allow for a minimum of an hour. For some residents, that may be too long. They may not be up to having visitors for that long, but that's a minimum that we need to be able to have for each visitor. ਅੱਜ ਬੀਸੀ ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ 800 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 5 ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਸੀ ਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94,769 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,446 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਚ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 5,856 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। बीसी विच कोविड 19 दे नवे वेरिएंट्स दे 191 होर मामले रिपोर्ट होए हैं। इस दे नाल हुण सूबे च नवे वायरस वेरिएंट्स दे कुल मामले 1772 हो चुके हैं। इस च 215 मामले एक्टिव दसे गए हैं। बीसी च हुण तक कोविड 19 वैक्सीन दियां 610,671 खुराकां प्रदान कीतियां जा चुकियां। वीरवार तक दे अंकड़ियां अनुसार बीसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दा कहना है कि हुण तक सूबे च कुल 792,620 वैक्सीन खुराकां डिलीवर हो चुकी है। वावे एग्जैक्टिव मंग मंजो दा मामला अज फिर तो अदालत विच गूंजिया। कैनेडा दे अटॉर्नी जनरल दे एक वकील दा कहना है कि अजिहा कोई सबूत नहीं है जो दर्शावे कि RCMP ने वावे एग्जैक्टिव मंग मंजो दे इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसां दे सीरियल नंबर अमरीकी अधिकारियों नाल सांझे कीते सी। बीसी सुप्रीम कोर्ट विच जॉन गिब कार्सले ने कहा कि मंग मंजो दी लीगल टीम जेकर समझदी है कि सीरियल नंबर सांझे कीते गए सी तां फिर इस दा प्रमाण पेश कीता जावे। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਮੰਜੋ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ FBI ਨੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ RCMP ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ $7.2 billion ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ $4 billion ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਰਨ ਹੋਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
चंगे साबित होए। होगन ने रिपोर्ट विच दस्या कि पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा ने कई साल तक पेंडेमिक संबंधी तैयारी लई गौर नहीं कीता सी। कैरन होगन ने एक मामले विच कहा कि कैनेडा राष्ट्रीय क्वारंटीन प्रोग्राम लई तैयार नहीं सी। The agency had not planned for nor prepared for a nationwide quarantine of this scale. They did recognize that they had a capacity issue and they looked for assistance from other federal organizations. अमरीकी राष्ट्रपति ने अज चीन नु करड़े हथी लिए। राष्ट्रपति जो बाइडन दा कहना है कि चीन दे वधदे दबदबे नु कंट्रोल करन लई तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि साइंस ते रिसर्च दे खेत्रां विच वधेरे निवेश नाल इस दबदबे ते काबू पाया जाएगा। बाइडन ने कहा कि उन्होंने लीडरशिप हेठ अमरीका वालों चीन दे दबदबे नु काउंटर किया जाएगा। याद रहे अहुदा संभालण तो बाद अज जो बाइडन ने पहली रस्मी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। They have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world, and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch. श्रोमणी अकाली दल दे लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया ने अज फिर तो पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ दा अस्तीफा मंगया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दे नवे सलाहकार प्रशांत किशोर ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दीआं सारीआं ताकतां ते काम खत्म कर दिते है। उन्होंने कहा कि इसलिए जाखड़ नूं तुरंत केरला लई रवाना होना चाहीदा ते उत्थे जाके राहुल गांधी नूं अपना अस्तीफा सौंप देना चाहीदा। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हुण पंजाब प्रदेश कारपोरेट कमेटी विच तब्दील कर दिती गई है।